नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य BNS कोट फार्म से। दोस्तों आज हम बात करेंगे बकरी को हीट में लाने का देसी तरीका। और अभी ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड में आप अपनी बकरियों को सुरक्षित रखें, क्योंकि अभी ठंड जा रहा है। अगर इसमें लापरवाही करेंगे तो आपकी बकरियां बीमार हो सकती हैं। जैसे देखिए, अभी सुबह का टाइम है, धूप निकल गया है और देखिए बकरियों को चारा डाला गया था। इधर ये तारा खोपड़ी डाला गया था, खा लिया है। और अपना नीम का पत्ता भी देखिए, इधर ये देखिए नीम का पत्ता डाल दिया गया है इनको खाने के लिए। ऐसे ही कभी सहजन का पत्ता, कभी नीम का पत्ता, तो कभी आम का पत्ता, ऐसे थोड़ा थोड़ा ला करके डाल दिया जाता है, जिससे कि बकरियों का जो है कि इम्यूनिटी पावर बना रहता है, बकरियां बीमार नहीं होती हैं। तो आते हैं मेन मुद्दे पर कि बकरी को हीट में लाने का जो है कि बहुत बड़ा समस्या है। लोग जो घरों में एक दो बकरे बकरियां पालते हैं, अब उनकी बकरियां हीट में नहीं आती हैं। या तो बकरियां, जिसे बोला जाता है चुप्पी, यानी बकरी बोलती नहीं है, कुछ बकरियां डिस्चार्ज नहीं करती हैं, चार चार पाँच पाँच महीना हो जाता है उनको वो हीट में नहीं आती हैं। तो अब क्या करें, जानते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपके पास ब्रीडर यानी बकरा नहीं होना। कुछ भाई जो है कि फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, चार छः आठ दस बकरियां रख लेते हैं और उनके पास ब्रीडर नहीं है, तो भी वहां पर दिक्कत आता है। तो पहले अगर आप चार छः दस पंद्रह बीस बकरियां पाल रहे हैं तो आपके पास ब्रीडर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ब्रीडर नहीं रहने से जो है कि आपकी बकरी अक्सर हीट में 70% बकरियाँ हीट में नहीं आती हैं। ब्रीडर रहता है तो वो कौन सी बकरी हीट में आई है उसको पहचान लेता है, कौन सी बकरी चुप्पी है यानी बोलती नहीं है उसको भी वो पहचान लेता है, और जो बकरी डिस्चार्ज नहीं करती है तो बकरा जब उनके पास जाता है तो बकरी भी जो है कि हीट में आती है और डिस्चार्ज करने लगती है और वो क्रास हो जाती है। तो इन सब चीज़ों पर आपको पहले विशेष ध्यान देना पड़ेगा। डिवार्मिंग नहीं की है तो डिवार्मिंग करें, उनको मिनरल मिक्सचर नहीं देते तो मिनरल मिक्सचर दें। लेकिन हम बात करें देसी तरीका पर, तो देसी तरीका में आपको क्या लेना है, मोठ दाल। फिर मैं नाम बता दूं, मोठ दाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मोठ दाल मैंने पिक लगा दिया है, आप इसको ले लें। लेना कितना है, 100 ग्राम। छोटी बकरी हो या बड़ी बकरी, यानी ब्रीड छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेना है आपको 100 ग्राम। और इस 100 ग्राम मोठ दाल को आपको एक सूती कपड़े में बांध देना है, पोटली बना देना है। पोटली बना करके रात भर उसको पानी में भिंगा देना है। पानी में भिंगाने के बाद सुबह आप उसको निकाल लें, और निकालने के बाद उसको एक अलग बर्तन में ले लें, थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसमें जो हम घर में चाय पीते हैं ना, चाय वाली जो कप होती है, छोटा कप, बड़ा कप नहीं, ग्लास वाला नहीं, छोटा कप होता है, छोटे कप से एक कप सरसों का तेल, उस मोठ दाल में सरसों का तेल डालें और उसको अच्छे से उसमें मिला दें, ताकि उसका जो दाना होता है हर दाने में लग जाए, और उसे आपको अपनी बकरी को खिला देना है, जिससे आपकी बकरी हीट में आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, मोठ दाल हर जगह मिलता नहीं है, हर किराने की दुकान पर नहीं मिलता है। ये जो थोक मंडी होता है दाने का, जैसे कि गेहूँ चावल दाल हर चीज़ का जो थोक मंडी होता है, वहाँ पर आपको ये मिलेगा। वैसे आप अपने नज़दीकी किराना स्टोर पर पता करें, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, या उनसे मंगवा लें, नहीं तो आपको थोक मंडी में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि हम भी अपने यहाँ पता किए थे तो हमारे यहाँ भी नहीं मिलता है, तो हम भी थोक मंडी से लाए थे और इसका मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है, रिजल्ट बहुत बढ़िया है। एक बार दे दें, देने के बाद आपको क्या करना है, 2-3 दिन इंतज़ार करना है। अगर आपकी बकरी हीट में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो आप 3-4 दिन के बाद फिर 100 ग्राम लाएं और सेम वही प्रोसेस करके तेल और पोटली बना करके उसको जो है कि आप अपनी बकरी को खिलाएं, आपकी बकरी हीट में आ जाएगी 21 दिन के अंदर अंदर। तो दोस्तों ये था देसी तरीका बकरी को हीट में लाने का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना। नमस्कार।